मध्य विद्यालय मधुबन, बाजपट्टी प्रखंड में अवस्थित मध्य विद्यालय मधुबन सीतामढ़ी के मध्य विद्यालयों में एक जाना पहचाना नाम है। 24 कमरों का यह विद्यालय आज 620 बच्चों के भविष्य को उज्जवल करने में प्रयत्नशील है। मध्य विद्यालय मधुबन की दिनचर्या साफ सफाई से शुरू होती है, जो बाल संसद के सफाई मंत्री की देखरेख में की जाती है। चेतना सत्र में बालक बालिका पंक्तिबद्ध कतार में स्कूल ड्रेस से सुसज्जित होकर प्रार्थना करते हैं। मध्य विद्यालय मधुबन के बाल संसद के सदस्य ससमय पूरी मुस्तैदी से अपने अपने विभागों के कार्य करते हैं। एक तरफ सफाई मंत्री स्कूल और शौचालयों की साफ सफाई की देखरेख करता है, तो दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री शिक्षकों की क्लास में ससमय उपस्थिति दर्ज कराने के कार्य में जुटा रहता है। क्लास में शिक्षकों के द्वारा ससमय विषय वस्तु को बताया जाता है और बच्चों से जानकारी ली जाती है कि वे विषय वस्तु को समझ पा रहे हैं या नहीं। विद्यालय में शिक्षकों के लिए अलग से TLM की व्यवस्था है, जिसका इस्तेमाल शिक्षकों द्वारा बच्चों के पठन पाठन में किया जाता है। मध्य विद्यालय मधुबन की लाइब्रेरी में विभिन्न प्रकार के पुस्तकों का संग्रह है, जिसका लाभ बच्चों द्वारा उठाया जाता है। विद्यालय में बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन की उत्तम व्यवस्था है, जहां बच्चे एक साथ बैठकर भोजन का लुत्फ उठाते हैं। विद्यालय में बना हैंड वॉशिंग स्टेशन और प्यूरिफायर एक तरफ विद्यालय द्वारा बच्चों के स्वस्थ रहने की चिंता को दर्शाता है, तो दूसरी तरफ उन्हें साफ सफाई को अपनाने की शिक्षा भी प्रदान करता है। बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को लेकर विद्यालय द्वारा विभिन्न तरह के खेल के सामानों की व्यवस्था की गई है, जिसे बालक और बालिकाओं द्वारा खेला जाता है। विद्यालय के मीना मंच के बच्चे अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं और अपने स्कूल के बच्चों की अनुपस्थिति पर उनके घर पर जाकर कारण जानते हैं और स्कूल आने के लिए जागरूक करते हैं। आज मध्य विद्यालय मधुबन के प्रधानाध्यापक बिंदेश्वर महतो और स्कूल के शिक्षकों की टीम के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का परिणाम है कि विद्यालय के बच्चों का राष्ट्रीय सह मेधा छात्रवृत्ति योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन रहता है और तरंग प्रतियोगिता में प्रति वर्ष चयन होता है।